गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर मैथ्स पीरियड। आई एम योर क्लास टीचर। आज हम पढ़ेंगे शेप। शेप्स आप सब जानते हैं ना क्या होते हैं, हमने ड्राइंग में भी पढ़ा है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, है ना। ये देखिए, ये क्या है? ट्राइंगल। इसके थ्री साइड्स होते हैं, वन टू और थ्री, और थ्री कॉर्नर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आप अपने जब आसपास जाएंगे तो देखिएगा कि कहाँ कहाँ आपको ट्राइंगल दिखाई देता है। आपकी मम्मा सैंडविच बनाती है ना, तो सैंडविच में भी आपको ट्राइंगल जैसे बना के देती है कि नहीं बना के देती है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अब ये देखिए, ये पेपर है, पेपर से हम इसको फोल्ड करके ट्राइंगल बना लेंगे। देखो, ये ट्राइंगल बन गया, टिश्यू पेपर को फोल्ड करके बनाए तो। ठीक है, अब ये कौन है? स्क्वायर। इसके फोर साइड्स होते हैं और फोर कॉर्नर होते हैं, और इसका पूरा चारों ओर से बराबर साइड होती है, ये सब बराबर होता है। इसको भी हम बना चुके हैं ना। अब स्क्वायर कहाँ कहाँ होता है? आप कैरम खोल देखते हो, वो भी स्क्वायर होता है। आपका लूडो गेम होता है, वो भी स्क्वायर में ही होता है। इसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बिस्किट है, ये भी स्क्वायर है, ये फोटो फ्रेम है, ये भी स्क्वायर है, और ये आपको इंडिकेशन जो दिया रहता है ना, इधर जाओ उधर जाओ, वो भी स्क्वायर है। ये देखिए, ये क्या है? सर्कल। तो पढ़े हो सर्कल? सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, पूरा ऐसे गोल सा सर्कल बना होता है। सर्कल हम कई जगह देखते हैं, अभी हम देखेंगे। ये देखो, ये मम्मा आपकी रोटी बनाती है, वो भी गोल होती है। क्लॉक भी सर्कल में है। ये देखो, ये फ्रेम भी सर्कल में ही है। अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये इसके भी फोर कॉर्नर्स होते हैं, और इसके ये साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये ऊपर नीचे का साइड भी इक्वल होते हैं। चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल भी हम अपने आसपास देखेंगे और उसको समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। ये डोर है, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपकी कॉपी का पेज है नोटबुक का, वो भी रेक्टेंगल में है। ठीक है, क्लियर? ये देखिए, ये है सिलेंडर और ये है कोन। ये सिलेंडर हम मतलब गोल सा लंबा सा जो शेप होता है वो सिलेंडर कहलाता है, और ये जो शेप होता है नीचे इसके कॉर्नर में सरफेस होता है और ऊपर एक नुकीला सा हिस्सा निकला रहता है, इसको हम बोलते हैं कोन। ठीक है, कोन हम कहाँ देखते हैं? आप आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, तो उसमें दिखाई देता है। सिलेंडर मतलब कोई भी लंबी सी चीज, आपकी पेंसिल, पेन, ये सिलेंडर के शेप का होता है। ये देखो, ये पेंसिल का शेप कैसा है? सिलेंडर जैसा, और ये आइसक्रीम का शेप कैसा है? कोन की तरह है। क्लियर, आपको शेप समझ में आ गया होंगे। अब हम इसको अपनी बुक और कॉपी में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।